वेलकम टू याराना MRC। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अगला न्यू टॉपिक्स। पिछले क्लास में आप लोग यूनिट के बारे में पढ़ चुके होंगे, यूनिट के बारे में पढ़े थे, और उससे आगे हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर ब्रिटेन, ये दोनों के बीच में क्या है, व्यापार कैसे करेगा। ये जब किसी यानी कि यूनिट किसी भी वेट को क्या क्या है, इंडियन और ये वेट को, दोनों क्या किसी वस्तु का वेट को ये माप रहा है पाउंड में, ये पाउंड में माप रहा है, या क्या क्या केजी में माप रहा है। ये जब ब्रिटिश आदमी आएगा इंडिया में और बोलेगा हमें 1 KG कोई वस्तु यानी कि सामान वो खरीदने का है, बोले 1 KG हमें दे दीजिए, तो इंडियन आदमी बोलेगा कि आपकी बात तो हमें समझ नहीं पड़ा, हमें ये चेंज नहीं करने के लिए आता है कि 1 पाउंड या 1 KG में कितना पाउंड होता है। तो वहाँ पे एक तो इंडियन आदमी को दिक्कत हो रहा है, दूसरा ब्रिटिश आदमी को भी दिक्कत हो रहा है। तो इसी दिक्कत को आपसी संबंध यानी व्यापार को बनाने के लिए, आपसी संबंध व्यापार के बनाने के लिए, तो कोई तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो कि पूरा यूनिवर्सल पूरा दुनिया में लागू हो, चाहे वो इसके यहाँ हो चाहे वो इसके यहाँ, सबके यहाँ बराबर हो। तब ना हमारे जैसे मान लीजिए ये भी KG में मापता और ये भी KG में यदि मापता तो दोनों क्या होता, आसानी से अपने बात को साझा कर पाता, व्यापार कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी तरह से देखते हैं हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इसीलिए ज़रूरत पड़ा, हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहिए कि जिससे हमें पूरे दुनिया में व्यापार करने में आसानी हो। तो इसी आसानी को, इसी जो बीच में दूरी है इसको दूरी करने यानी ख़त्म करने के लिए हमको सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ा। आइए हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4 गो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक नंबर में देखिएगा तो FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। FPS सिस्टम को ही हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इसमें देखिएगा इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि इसमें लंबाई को फुट में, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, यानी कि इसको वेट को किसमें माप रहे हैं, पाउंड में, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और ये टाइम को सेकेंड में मापता है। FPS सिस्टम यहाँ पर स्टार में आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी रखिएगा। 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 3048 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए और ये भी नोट में कर याद कर लीजिएगा कि 1 पाउंड बराबर 0.454 KG, 1 पाउंड बराबर 0.454 KG। अब हम दूसरा देखते हैं CGS सिस्टम। दूसरा हम देखते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जैसे फुट पाउंड सेकेंड, FPS का मतलब F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। यहाँ पर देखें CGS सिस्टम सी से सेंटीमीटर में नापेगा, जी से ग्राम में और एस से सेकेंड में। CGS सिस्टम, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यानी ये CGS सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेगा, कॉमा द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यानी कि मास को वेट को किसके में नापेगा, ग्राम में, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और टाइम को किस में मापेगा, सेकेंड में। इट इज ए मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम को भी हम मैट्रिक सिस्टम वैसा सिस्टम कहते हैं जिसे हम 10 के घात में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 पर 0, 5 को 0 देगा 2 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख को हम यदि 2×10^5 KG में लिखते हैं तो इसी को कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं और कुछ में फीट में, कुछ में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं MKS सिस्टम।
तीसरा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में एम को मास, एम से मीटर को, के से किलोग्राम को और एस से सेकेंड में कहता है। अतः इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यानी कि लंबाई को मीटर में मापेगा और द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और वेट को किस में मापेगा, किलोग्राम में। एंड द टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड और टाइम को किस में सेकेंड में नापेगा। इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। इससे आगे और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं तो इंटरनेशनल यूनिट, जिसे SI हम लोग कहते हैं, SI सिस्टम जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे SI भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SI, और यही VVI है। और ये एग्जाम में इसको 4 मार्क में यदि पूछता है, इस चारों में से जितना आप लोग चारों पढ़ाया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, SI सिस्टम। SI सिस्टम के बारे में पूछेगा, इसके बारे में क्या क्या फाउंडेशन और सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं SI सिस्टम। SI यूनिट इज एन इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट दैट आर यूज यूनिवर्सली इन ऑल फील्ड, यानी पूरी दुनिया में और सभी फील्डों में, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन विद द यूनिट्स। द सिस्टम इज द मॉडिफाइड फ्रॉम द MKS सिस्टम, यानी MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके SI सिस्टम बनाया गया है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज रेशनलाइज MKS सिस्टम इन SI। देयर आर 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। आगे देखते हैं फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है, उससे आगे देखेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए, नेम ऑफ यूनिट और यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं सिम्बॉल। तो मास को हम लोग किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, जैसे KG से सूचित करेंगे। दूसरा लेंथ को मीटर में, इसे एम से। टाइम को सेकेंड को, इसे एस से। टेम्परेचर को केल्विन में, इसे के सिंबल से सूचित करेंगे। इलेक्ट्रिक करेंट को एम्पियर से और इसे ए से सूचित करेंगे। एल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, इसे CD से सूचित करेंगे। और नंबर ऑफ सब्सटेंस, जैसे ल्यूमिनियस उसे कहते हैं कि जो प्रकाश उत्तेजित करता है, उसमें तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी किसने, उसको भी तो मापन, उसको जो मापने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, से CD। नंबर ऑफ सब्सटेंस बराबर नंबर ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ यूनिट्स में मोल, इसे MOL से सूचित करते हैं। अब देखते फंडामेंटल यूनिट देख लिए, और 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में आप लोग देख लेंगे यहाँ पर 2 है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में 1 है प्लेन एंगल, इसे क्या कहें, रेडियन, इसे RAD से सिंबल में सूचित करते हैं। क्या प्लेन एंगल उसे कहते हैं जो 2 लाइनों के बीच में, यानी कि 2D, 2 लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा। तो थीटा बराबर L/R, प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, तो कि थीटा इज इक्वल टू L/R। जैसे एक x एक्सिस ही y हो गया, इसे कुछ भी मान लेते हैं, ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बराबर फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R। आगे देखते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में, इसे SR से। सॉलिड एंगल हम लोग उस एंगल को कहते हैं ना जो किसी गोलाकार के हर एक पॉइंट पर, एक पॉइंट यदि इस परिधि पर कि सभी पॉइंट को इस पॉइंट पर मिला दे, सभी पॉइंट को इस पॉइंट पर ला के मिला दे, तब जो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मान 4π होता है।
याद कर लीजिएगा, सॉलिड एंगल कमन फोर पे यार आप लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट लिख लिया, अब हम कुछ ड्राइव यूनिट देखते हैं। ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले आप ड्राइव का मतलब होता है कि बनाना, यानी बनाने, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हो उसे क्या कहें, ड्राइव यूनिट। तो जैसे फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर मास गुना वेलोसिटी बाय टाइम, तो बराबर मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, इसे के जी डिस्प्लेसमेंट मीटर पर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसे हम न्यूटन में लिख सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम में हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा यूनिट को हम छोटे यूनिट में भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा यूनिट को हम छोटे यूनिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा खासियत है एसआई सिस्टम का। ध्यान में रखिएगा कि बहुत बड़ा यूनिट को ये क्या एमकेएस में आएगा, एमकेएस में आएगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे छोटा करके हम न्यूटन भी लिख दिए। अब इसे आगे देखते हैं, इससे आगे हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का एडवांटेज क्या है, जितना वहाँ से पढ़ाए हैं आज के क्लास में, जितना टोटल लिखना पड़ेगा आज के क्लास में जितना हम पढ़ाए हैं, यदि पूरा लिखिएगा तब मिलेगा 4 मार्क्स, यानी कि सभी एसआई यूनिट वाला जितना बताएं सब लिखिएगा तब देगा 4 मार्क्स। अब देखते हैं इसका एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूछ देगा एसआई यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआई यूनिट वो भी लिखिएगा, तो उसका भी यही हुआ या एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। यहाँ पर एक नंबर में देखते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इसे क्या क्या इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है। दूसरा देखते हैं कि इन एसआई सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट आर स्मॉल, यानी कि इसे जितना भी यूनिट है उसे छोटे स्मॉल यूनिट में हम एसआई में चेंज कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम यानी कि उसे कहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज कैन एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10, यानी कि 10 के पावर में हम एक्सप्रेस जो करेंगे उसको हम मैट्रिक्स सिस्टम कहेंगे। चौथा देखते हैं कि इट इज ए रोटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि दैट इज करके लिखा हुआ है, इट यूज ओनली वन यूनिट ऑफ फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एग्जाम्पल में आप देखेंगे जूल इज द यूनिट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अब आपको ढेर सारे स्प्रिंग एनर्जी, वर्क एनर्जी, मोमेंट, ढेर जितना भी एनर्जी का प्रकार है सबके लिए तो यूनिट अलग अलग बनाना पड़ेगा, उसके लिए ढेर सारा हमें प्रॉब्लम होगा उसमें। तो उसने क्या किया कि जितना भी यूनिट है सबको क्या किया, जितना भी एनर्जी है सभी को क्या किया, जूल में कर दिया एसआई में, ताकि हमें आसानी हो। चौथा हम देखते हैं इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम दैट इज ऑब्टेंड बाय द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेट ऑफ बेसिक्स एंड फंडामेंटल यूनिट, नहीं डिवाइडिंग और सेट ऑफ बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनिट, सी कोहरेंट सिस्टम में भी इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में 5 टॉपिक्स लिख दीजिएगा हो जाएगा। इसे आगे हम कल के क्लास में देखेंगे, तब तक लिए हमारे क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस जितना भी मेन मेन टॉपिक्स है, जैसे एसआई है, एसआई सिस्टम, इसमें हम वीवीआई लगा दिए हैं, तो आप लोग भी लगाते जाइए। एक काम आप लोग कीजिएगा, आप लोग अपना सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस में जो जो हम टॉपिक्स पढ़ाते जाए, तो सिलेबस आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ निकाल के कॉपी के फ्रंट पेज पे उसे चिपका लीजिए, ताकि हम जो पीडीएफ में जो जो टॉपिक्स पढ़ाते जाए वो सबको टिक करते जाएंगे, तो आपको आसानी होगा कि हमने ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। इतना काम आप लोग करके रखिएगा, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो ना, क्या हो रहा है अब, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल प्रेस सेलेक्ट कर, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाए। और ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर बहुत तरह की पूरा लगभग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई होगा है यहाँ पर, आप तो सब कुछ सब्जेक्ट का देख ही लिए होंगे। फिजिक्स का चलिए रहा, कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो गया, ग्राफिक्स का स्टार्ट हो गया, और कल से केमिस्ट्री और मैथ ये भी चलाएगा, यानी कि लगभग 6 सब्जेक्ट आप लोग इस चैनल को बिल्कुल फ्री में पढ़ लीजिएगा 0 कॉस्ट के अंदर। इतना आप लोग के लिए मेहनत कर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्या बात। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।